Assalamu alaikum. धनल साहब को धनल साहब आगे आ जाए आगे बत्ती भन्ने अच्छो जो मन
एक मिनट एक نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و سلام علی خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز حضرات، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ ہمارے مہمان خاص چیف گیسٹ قابل صد احترام جناب جنرل ظہیر الاسلام صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اس پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس تقریب سعید و تقریب کرنل سعید کا آغاز اس کے کلام سے کرتے ہیں جو ایک ہے، الوہیت میں اس کا ثانی نہیں ہے، سب کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اپنے وجود میں سب اس کے محتاج ہیں، تمام عالم اس سے موجود ہے، وہ جہات و اقدار سے مقدس و پاک ہے، مکان و متمکن اس نے پیدا فرمایا، زمین و زمن اس نے خلق کیے، وہ قیوم ہے، اس پر سب کا قیام کا دار و مدار ہے، اس کے لوح و قلم اسی کے ہیں، اسی نے لوح و قلم کو پیدا کیا، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، قوت نطق و کلام اور قلم اس کی عطا، حسن اسی کا لیے پھرتی ہے ہر ایک صوت و صدا، خلقت ارض و سماوات ہے ایک اس کی ادا، اس کی تخلیق کا دم بھرتے ہیں سب خاک و خلا، روح ہو زی روح ہو رگ و ریزہ و رائی میں وہی، بحر و بر شمس و قمر سنگ و شجر، ہم سرا موج و مجدار میں وہ، مطر و مطیر اس کا عمل، ساحل و سیل و صحاب اور سبا اس کی سنا، تا ابد تابع تکمیل ہے اس کی تعمیل، اس نے آغاز ازل میں جو لیا عہد وفا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لا رہے ہیں محمد اسرار حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. آمنت بالله صدق الله العظيم. شاہ انبیاء، کوئی نعت گوئی کا سلسلہ، کوئی زینہ عز کا طے ہوا، تو بھی اس عروج خیال میں کہیں گم ہوا، کہیں کھو گیا، کہ تیری صفات کی گرد کو بھی نہ چھو سکا۔ نعت رسول مقبول کے تین اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ دن کڑا ہوگا سب دنوں سے، گھڑی جزا و سزا کی ہوگی،
वो दिन कड़ा होगा सब दिनों से गढ़ी जजाओ सजा की होगी न कोई तौबा कबूल होगी न कदर कोई दुआ की होगी हिसाब अमाल का भी होगा शुमार होंगी इबादतें भी हिसाब अमाल का भी होगा शुमार होंगी इबादतें भी बहुत गरा होंगी नेकियां भी पर असल कीमत वफा की होगी बहुत गरा होंगी नेकियां भी पर असल कीमत वफा की होगी ये देखा जाएगा रोज महशर के किसको किससे रही है निस्बत ये देखा जाएगा रोज महशर के किसको किससे रही है निस्बत जहां मोहब्बत नबी की होगी वहीं मोहब्बत खुदा की होगी जहां मोहब्बत नबी की होगी वहीं मोहब्बत खुदा की होगी ख़वातीनो हज़रात कोटा के इस मुकाम पर जहां हम सब आज जमा हैं इसी सरजमीन के बतले जलील अज़्म व हिम्मत के पैकर जो अपने अंदर अस्करी हवाले से भी बेपनाह सलाहियतें रखते हैं और अब ये अपना तजुर्बा महारत और जानकारी इस सरजमीन कोटा के अर्जमंदों के लिए वक्फ करना चाहते हैं जो यहाँ एक जाने दिगर पैदा करना चाहते हैं अपने इलाके के लिए एक रोशनी और नई नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक जज्बा रखते हैं जिसकी अमली शक्ल ये एकेडमी है जिसका आज आगाज़ होने जा रहा है वो बतले जलील जनाब कर्नल सईद साहब हैं हम अहले इलाका उनकी इस बेमिसाल काबश की कामयाबी के लिए दुआगो हैं और हर मुमकिन तआवुन और उनकी खिदमात के लिए हाजिर है कोटा का ये पुरफजा मकाम इसके लिए अगर चंद अल्फाज न कहे जाएं तो ये नाइंसाफ़ी होगी ये एक मासूम सी धरती वतन की मांग का तारा ये कोसारों का झूमर खिताए पुठवार है प्यारा ये हुस्न इश्क की मिट्टी कोटा नाम है जिसका ये घर जौहर शनासों का ये चर्चा आम है इसका यहाँ पर खानकाह हैं तकिए और पंडारे हैं यहाँ जलवा फिगन हरदम तसव्वुफ़ के सितारे हैं यहाँ की सरकशीदा चोटियाँ बहते हुए चश्मे ये अपनी दास्ताने रोज़ो शब कहते हुए चश्मे यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में हमारा दिल धड़कता है सफ़र में और कहीं जाकर सरे मंजिल धड़कता है कोटा जो तलाशे जौहरे फितरत का मरकज़ है हमें ये फ़ख्र है हमें ये फ़ख्र है शाहकार ये कुदरत का मरकज़ है कोटा तो रगे जाने वतन है एक अमानत है कोटा तो वतन की आबरू की एक ज़मानत है हमारी गैरत मिल्ली का एक गौहर कोटा है अनाए अर्ज़े पाकिस्तान का जौहर कोटा है कोटा जो बज़ाहिर एक संगलाख और नामवार का ज़मीन का खित्ता है लेकिन ये अपने दामन में बड़ी बड़ी जलील कदर हस्तियाँ समेटे हुए हैं मैं अब नहायत एहतराम से जनाब कर्नल सईद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी एकेडमी और उसकी अगराज व मकासद और उसके लिए इजहार ख्याल जो है वो फरमाएं कर्नल सईद साहब
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेहमान खुसूसी जनाब जनरल ज़हीरुल इस्लाम एक्स DGISI MPA राजा सगीर साहब, ब्रिगेडियर जावेद साहब और पिंडाल में बैठे हुए जितने भी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले जनरल साहब का और जितने भी स्टेज पे मेहमान बैठे हुए हैं उनका और पिंडाल में बैठे मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी मसरूफियत से आज टाइम निकाला और मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आप सब का बेहद मशकूर हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एकेडमी क्यों खोली, जब मैं आर्मी में था उस वक्त भी मैं सोचता था, बल्कि आप कह सकते हैं ये मेरा एक ख्वाब था कि अपने एरिए के अंदर कुछ ऐसा किया जाए जो कि पहले नहीं हो रहा और ख़ासकर जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए। माशाल्लाह हमारे एरियाज़ में जिस जगह भी जिस मीन्स तीन तहसीलें हैं कौटा कलर सईदा कोटली सतियाँ, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह जैसे ब्रिगेडियर साहब के स्कूल हैं, बहुत पुराना स्कूल था एरम मॉडल कॉलेज और कई एक यहाँ पे उनके नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, कई एक स्कूल हैं, मैं हर एक का नाम तो नहीं ले सकता। हर इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पे ऐसे तरीके से हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें तालीम मुहैया कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बयान करता चलूँ कि हमारा जो एरिया है कहूटा कलर सईदा कोटली, आप कह सकते हैं पुठवार वाला एरिया, हम लोग मार्शल एरिया कहलाते हैं, क्योंकि सदियों से हमारे अबाऊ अजदाद फौज के अंदर किसी न किसी कैपेसिटी में सर्व करते रहे हैं और हमारी रगों में वो खून है और आगे हमारी नस्लों के अंदर है जिनके अंदर ये जज्बा है कि वो मुसल्ला अफवाज में किसी भी कैपेसिटी में ना सिर्फ ऑफिसर बन के बल्कि किसी ना किसी रैंक में जाकर अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। सिपाही भी हैं, हवलदार भी हैं, नायब सूबेदार भी हैं, जनरल भी हैं, आर्मी के अलावा नेवी और एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स हैं हमारे एरिया के। तो मैं बता रहा था कि ये मेरा ख्वाब था कि अपने एरिया की जनरेशन जो यंग बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए कुछ किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यहां पे ओपन किया जाए जो कि पहले यहां पे नहीं है। जिसके मकासद क्या हैं कि सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं जो सातवीं और आठवीं के बच्चे हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो जाकर मिलिट्री कॉलेजेस और कैडेट कॉलेजेस के अंदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें और वहाँ के लिए सिलेक्शन हो। उसके अलावा जो बच्चे FA और FSC कर लेते हैं उनके लिए ISSB, वो किसी भी आर्म्स में जाना चाहते हैं, वो चाहे आर्मी में जाएं, नेवी एयरफोर्स में जाएं, उनके लिए एक ऐसी जगह प्रोवाइड करना जहाँ से वो और ख़ासकर उस मुतवस्सत तबके के लिए जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लाइक जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो पिंडी भी जा सकते हैं, पिंडी में भी काफ़ी सारी अकेडमीज हैं, लेकिन वो बच्चे जो यहाँ से या बच्चियाँ यहाँ से जाकर पिंडी में ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सकते उनके लिए ये इदारा खोला गया। इसके क्या फ़वायद हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पिंडी के अंदर एक तो फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिहाइश का मसला है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, जा सकते हैं यहाँ से घंटे में डेढ़ घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में जाकर वहाँ पे जाकर
क्लासेस अटेंड करना और वापस आना बहुत मुश्किल है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है जी कि ट्रेनिंग क्या ये जरूरी है, क्या हमारा बच्चा ट्रेनिंग के बगैर ISSB में नहीं जा सकता। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आजकल जो बच्चे आर्मी में जाते हैं, पहले आज से 15-20 साल पहले जब मैं आर्मी में गया था उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आजकल पढ़े लिखे बच्चे अप्लाई करते हैं, उनकी एजुकेशन हमारी एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो उस इन्वायरमेंट के अंदर जब हमारा बच्चा जाएगा बगैर ट्रेनिंग के, बगैर किसी गाइडेंस के, तो वो सिलेक्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा जो दूसरा मैंने चीज़ बताई आपको कि यहाँ पे जो फेसेस रखी गई हैं मेरी एकेडमी में, वो एज कंपेयर टू जो एकेडमी पिंडी में हैं उनसे हाफ भी नहीं है। वक्त की बचत, पैसे की बचत अपने एरिए में, और मैं ये आपको अश्योरेंस दिलाता हूँ इसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप मेरी एकेडमी का विज़िट करें। ऑब्स्टिकल आपने देख लिए हैं, जदीद ताज के ऊपर मैंने इस एकेडमी को बनाया है और इंशाल्लाह बच्चे और बच्चियों को उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे मैं एक ख़ास बात करना चाह रहा हूँ, हमारे काफ़ी सारे मुअज्ज़ज़ लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है कि हम बच्चियों को आर्म फोर्सेस की तरफ लेकर आएं, जो कि हमारी बहुत ही गलत सोच है। मैं अक्सर आज तक तकरीबन कोई 15-1 स्कूल कॉलेजेस में विज़िट कर चुका हूँ और मैंने एक्सक्लूसिवली बच्चियों के साथ भी बात की है, उसमें से आई टेल यू के 70% बच्चियाँ आर्म फोर्सेस में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको घर की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता। अभी वक्त चेंज हो गया है, हमने अपनी जो गर्ल्स हैं उनको भी आगे लेकर आना है। एक अच्छी माँ ही आगे अच्छा ख़ानदान बना सकती है, तो इस चीज़ को हमने इनकरेज करना है, आगे लेके जाना है। मैंने ये कोशिश की है, अभी तक मैं कॉलेजेस में गया हूँ, मैं डाउन टू प्राइमरी स्कूल तक जाऊँगा। मेरा दूसरा मकसद इस एकेडमी का बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना है, उसके अलावा इनको इनकी कैरियर काउंसलिंग करनी है कि कौन सा बच्चा किस जगह पर जा सकता है, किस चीज़ के लिए फिट है। हमने इनको वो जो मोबाइल के ऊपर टाइम ज़ाया करते हैं, यहाँ पे क्लब्स बन गए हैं वहाँ पे टाइम ये ज़ाया करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे वो जाकर खेल सकें। तो मेरे इस इदारे का मकसद ना सिर्फ तालीमी लिहाज से बच्चों की आगे तरबियत करनी है, बल्कि जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उनकी नशोनुमा करनी है। तो मैं आप सब लोगों से इल्तमास करूंगा कि ये जो मेरे इस एकेडमी के मकासद हैं इनको आगे जाकर आप बयान करें। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आप मेरी एकेडमी का सफ़ीर बनें, आगे जाकर आप मेरा पैगाम लोगों को पहुँचाएँ। मैं हर जगह जा नहीं सकता, ना मेरा कॉन्टैक्ट है, और ख़ासकर जो पेरेंट्स हैं बच्चों को तो मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि बस बच्चियों से बात हुई है उनको वालदैन ही अलाउ नहीं करते। तो आप लोग माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, इस बात को आगे बयान करें, मेरी एकेडमी के मकसद को बयान करें। आज की तकरीब का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को कन्वे करना कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया है जिसका मकसद अपने एरिया के बच्चों को ना सिर्फ आर्म फोर्सेस के अंदर लेके जाना है, उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी है, उनको ये जो मुख्तलिफ किस्म के खराफात में वो शामिल हो गए हैं, वक्त ज़ाया करते हैं कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर और क्लब्स के अंदर जाकर बिलियर्ड खेलने में, वो ऐसी सरगर्मियों में आए और उनको हम आगे अच्छा एक ना सिर्फ इस एरिया का शहरी बना सकें, इस इलाके का शहरी बना सकें, बल्कि मुल्क का एक अच्छा शहरी हम उनको बना सकें। आखिर में मैं आप सब आज़रीन का और स्पेशली जनरल ज़हीर का मशकूर हूं कि इन्होंने अपना वक्त निकाला और यहां पे आए और इस तकरीब को रौनक बख्शी। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से इल्तमास करता हूं कि आप मेरी इस एकेडमी का सफ़ीर बने,
मेरा ये जो पैगाम है, इस एकेडमी के जो मकासद हैं, वो आगे तमाम लोगों को जाकर कन्वे करें। मैं मीडिया के जो यहाँ पे नुमाइंदगान हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, ऑलरेडी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन कर रहे हैं, इनकी वसातत से भी आजकल मीडिया का दौर है, ये भी जाकर मेरी एकेडमी के बारे में अपने जो भी इन्होंने पेज बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात यहाँ से निकाली जाती हैं, उसमें इस एकेडमी के मकासद को की तशहीर करें। मैं आप सबका तह दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर सर आपका कि आपने सर टाइम निकाला, ब्रिगेडियर साहब का और MPA राजा सगीर साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला, और पिंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त निकाला और मेरी इस तकरीब में शामिल होकर मेरी हौसला अफजाई की। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये उम्मीद की जा सकती है, बल्कि यकीन है कि आपको कर्नल सईद साहब का ये पैगाम पहुंच गया होगा। यहाँ तशरीफ़ लाने वाले सभी हजरात बाशऊर और नहायत सुलझे हुए और तालीम याफ्ता हैं सब, और जानते हैं कर्नल साहब का पैगाम यकीनन पेनिट्रेट करेगा और हर जगह पहुँचेगा, और जो इनके मकासद हैं, जो इनके इरादे हैं, इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। और इस हमारे इलाके के लिए कि ये नहायत खुशाइंद बात है कि इन्होंने एक जहाने दिगर पैदा करने का आगाज़ किया है। मैं अब प्रोग्राम को जारी रखते हुए नहायत अदब से कर्नल अरशद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमाने खुसूसी जनाब जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक DGSI, ब्रिगेडियर जावेद साहब, MPA राजा सगीर साहब और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज इस तकरीब में तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर इस तकरीब का हिस्सा बने, जिससे कर्नल साहब की बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी। थोड़ी सी बात मैं कर्नल सईद के बारे में करूंगा कि कर्नल सईद ने जब से मिलिट्री ज्वाइन की तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने इलाके के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करूं और करता रहूं जिससे ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, जो गरीब ख़ानदानों से तलक जिनका रखता है, उनकी मदद हो, उनको नौकरियां मिलें, ताकि उनकी माली मुश्किलात भी दूर हों और जनरली जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी अवेयरनेस भी बेहतर होगी। कर्नल सईद ने दौरान सर्विस लकीली बहुत सारे ऐसी रेजिमेंटल सेंटर्स में रहे हैं जहाँ पे आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि इन्होंने अपनी हम्बल कैपेसिटी में बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से नौजवान फ़ौज में भर्ती करवाए। तकरीबन आप जिस भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पे इनको जानने वाला बाय फेस ना भी जानता हो, कई बार मुझे बाय फेस जानते हैं तो मुझे पूछते हैं आप कर्नल सईद हैं जी, इनको बाई फेस नहीं जानते हैं मगर इनका नाम हर जगह पे मौजूद है। और माशाल्लाह अभी वो लड़के जो 98 में फ़ौज का हिस्सा बने थे, मुख्तलिफ सर्विस कुछ अपनी मुकम्मल करके आप रिटायर हो चुके हैं और अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए कर्नल सईद ने जब रिटायरमेंट से पहले मशवरत की कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जी मैं आपको तमाम जितनी भी रहनमाई हो सकी वो मैं करूँगा, और इलाका जो बेस्ट सूटेबल है कि वो आप कोटा सिटी में बनाएं, ताकि लोगों को, कश्मीर के लोग हैं, कोटली सतियाँ हैं और कलर सईदा हैं, ये सारे एक्सेसिबल हों।
बेसिक मकसद इस एकेडमी जो जो इनका विजन है उसका कॉर्नर स्टोन जो है वो है कि लोगों को वो अवेयरनेस, वो नॉलेज, वो टेक्निक, वो जहनी सलाहियत से इक्विप किया जाए ताकि वो जाएं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठें, चाहे वो कैडेट कॉलेज का है, चाहे वो आर्म फोर्सेस को एज ऑफिसर ज्वाइन करने का है, वो इसको पूरे फुली ट्रेन होके जाके जाएं और जो रेशो आज अगर 1% है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 5%, 10% और इस तरह बढ़ती जाए, तो यहाँ से ज़्यादा पाक फ़ौज के मुकद्दस पेजे को लोग ज्वाइन कर सकें। मैं आखिर पे जनरल ज़हीर का और आप तमाम हज़रात का तय दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और इसको इस मौके पे आपने हाज़िरी दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि मैंने बताया कि कहूटा एक ऐसी सरज़मीन है जिसमें बड़ी बड़ी जलीलुल कद्र हस्तियाँ ये अपने दामन में समेटे हुए हैं, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी अपनी जगह चमकते सितारों की तरह हैं। अस्करी हवाले से, सकाफ़ती हवाले से, समाजी हवाले से, इल्म और फजीलत के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से, ज़िंदगी के जिस शोबे को भी ले लें कहूटा में उस हवाले से बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं जो अपनी अपनी जगह रोशनी चमकते हुए सितारों की तरह दे रही हैं। तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदाम जिस शख्सियत ने शुरू किया वो ब्रिगेडियर जावेद अहमद सत्ती हैं। इन्होंने ये खुद ब्रिगेडियर साहब एक दरवेश सिफत इंसान हैं, मैंने भी इनके साथ बहुत काम किया है और इनके अज़्म, हौसले और हिम्मत की मिसालें देखी हैं और ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो रूहानी तौर पर जो फ्यूज़ व बरकात हासिल किए हुए हैं और रिज़्क़ के हलाल की मिसालें उन्होंने कायम की हैं। जब उन्होंने ये इरादा किया कि अपने इलाके में बच्चों को जो हमारे मुस्तकबिल का चेहरा है उनको तालीम और तरबियत के असल जौहर से आशना करें तो एक सिलसिला मकातिब शुरू किया जिसमें छोटे बच्चों से लेकर इंटरमीडिएट तक तालीम और तरबियत अपने एक मखसूस अंदाज में उन्होंने शुरू की जो मुल्क के बड़े बड़े अदारों में मौजूद बच्चों से इनके अदारे के जो बच्चे हैं उनका मुकाबला उनसे होता है तो ये बच्चे आगे निकल जाते हैं। ये बड़े फ़ख्र की बात है ब्रिगेडियर साहब ने जो तालीम तरबियत का सिलसिला शुरू किया। तो मैं नहायत अदब और इत्राम से गुजारिश करता हूँ ब्रिगेडियर जावेद अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर आपकी इजाज़त से कर्नल सईद साहब, सबसे पहले मैं कर्नल सईद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरा जो अपना तजर्बा है, पैदा इधर हुआ, वापस ज़िंदगी गुजरी 2002 से, फिर अमली तौर पर यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो फौजी लैंग्वेज में सेकंड लेफ्टिनेंट एंड अबव जो भी बन जाता है वो इस इलाके से हिजरत कर जाता है और इक्विवेलेंट रैंक सर सिविल में भी एसडीओ है या कोई है उस लेवल का, वो यहाँ से हिजरत करके कम अज़ कम पिंडी इस्लामाबाद चले जाते हैं और वापस यहाँ वो आना भी नहीं चाहते हैं और हम लोग उन्हें आने देते भी नहीं हैं। हम उन्हें आना देते भी नहीं हैं और हम बेसिकली सादे और नासमझ लोग हैं, सादे और नासमझ लोग हैं हम।
और इस वजह से 2002 में जब मैं वापस आया प्यांद गांव में, बड़े करीबी रिश्तेदार भी आके कहते हैं बगड़िया साहब तुसम तो खानदान अफसर शफसर बनी गए हो, कदे कदे अच्छा करो सलूट सूट की नहीं चले अच्छा करो, ये लोग पढ़ी लिखी गए तो तुसने मुकाबले जा गया सुनो, अपने लोग पढ़ी लिखी गए तो तुसने मुकाबले में आएंगे या बाजू बनेंगे हमारे सादे लोग हैं। कर्नल सईद आप तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यहां पे मैं अपने तजर्बे के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहां जिद करके बैठना है, जिद। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये आपकी एकेडमी जो है ना वो ऐ मोटी मोटी चलने दे पाए, ना चले तो चंगा, ना चले तो चंगा, वजह अपनी नहीं फलाना ना बच्चा को सिलेक्ट ना हो छे कहना सामने जरिए, जिद करके सर आपने बैठना है यहां पे, मुझे 18 साल हो गए, जिद करके बैठना तब काम होगा। सर आपसे सबसे बड़ी गुजारिश होगी, कहना साहब फौज से रिटायर हुए अल्लाह के फजल से बड़ी पुरअमन जिंदगी पिंडी में इस्लामाबाद में ये गुजार सकते हैं, आज इस सर्दी में यहां ये खड़े हैं, हम आपके साथ शुक्र गुजार हैं कि आपकी सोच ये है कि हमारे बच्चे जो एफए एफएससी वगैरह कर लें या सातवीं आठवीं तक करें वो कैडेट कॉलेजेस में जाएं, वो आगे उनको डायरेक्शन मिले आईएसएसबी की, और सिर्फ ये नहीं कैरियर काउंसलिंग जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से शोबे हैं हमारे बच्चों को किधर किधर जाना चाहिए, ये हमारी यहाँ पर रहनुमाई करेंगे, और जब रहनुमाई करेंगे तो हमारी डायरेक्शन दुरुस्त होगी। पीछे मेरी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, कोई माशरा तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो तालीम याफ्ता नहीं होगा, और तालीम याफ्ता से मतलब है तरबियत वाली तालीम। पाकिस्तान तो लूटा ही गया है तालीम याफ्ता लोगों से जिनकी साथ तरबियत नहीं थी, और पाक फौज ऐसे नौजवान चाहती है जो तरबियत याफ्ता किरदार वाले बाकिरदार लोग हैं, वो आईएसएसबी से क्लियर होंगे। याद रखें आप, चार दिन आईएसबी वाले ऐसे बंद किताब को खोल के सामने रख लेते हैं, माओ बहनों का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। ये अदारा सिर्फ उसको एक डायरेक्शन देगा, ये आईएसबी की, ये नहीं कि आईएसबी की नकल कराएंगे या वो तरबियत देंगे, एक थोड़ा सा अवेयरनेस होती है, और आईएसबी वाले भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चों को पता हो कि वहां पर होता क्या है। उसमें सबसे बड़ी बुनियादी चीज है उसका किरदार बुलंद होना चाहिए, और बच्चे का किरदार बुलंद माशरा करेगा, और माशरा कैसे करेगा, जो कुछ बच्चा देखेगा वो बनेगा। वो पीएमए में रहे हैं जनरल साहब, तो तीन चार चीजें वहां पे ऐसी हैं जिसमें कोई उसमें इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं होती है, बच्चे ने झूठ बोल दिया एकेडमी से बाहर, एक झूठ बोल दिया। अभी हमारे माशरे में रोजाना अगर वो पले ही झूठ के ऊपर तो वो किधर से क्लियर होगा वहां पे। बेईमानी, कोई ऊंच नीच जरा कैंटीन की पेंसिल पे कर ली एकेडमी से बाहर, कोई उसने चीटिंग नकल कर दी एकेडमी से बाहर, और यही चीजें आईएसएसबी में देखी जाएंगी कि इस बच्चे में क्या क्या खासियतें हैं। वो पैदाइश के वक्त से मां की गोद पहली एकेडमी है, उसके बाद जो अपने घर में वो देखेगा वो उसकी परवरिश हो रही है बच्चे की, उसको करने साहब यहां पर पालिश करेंगे और एक डायरेक्शन देंगे, हम इनको शुक्र गुजार होंगे। माशरे की जो डायरेक्शन या सोच होती है, आज जिस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, नानी दादी दादा नाना सबसे पहले उसके माँ और बाप को कहते हैं कि ये पुत्रा अज जैसी इसने शादी वास्ते कुछ जोड़ा,
اس نے بیعہ میں ایسا کسی جوڑیا تاکہ کل تو اس نے بیعہ کر سیدھے تھوڑے کل پیسے ہون. یہ نہیں کہا جاتا کہ بیٹی بیٹا اس کی تعلیم کے لیے کچھ سوچنا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رحمت بیٹی یا نعمت دی ہے, اس کی تعلیم کے لیے کچھ سوچنا ہے, کچھ جوڑنا ہے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آج بھی تحصیل کوٹا میں آپ دیکھیں یا پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں تو شادی ہال مارکیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ بہترین بلڈنگ وہ ملیں گی. آپ کو سکول کے کمرے نہیں ملیں گے, آپ کو تمبو میں پڑھانا پڑے گا, آپ کو ٹوٹے پوٹے کھنڈرات میں پڑھانا پڑے گا. کیوں؟ معاشرے کی سوچ جس طرف ہے وہی چیز ترقی کرتی ہے. کوٹے میں آپ ذرا خود پھر کے دیکھ لیں, بہترین بلڈنگ صرف یہاں پہ شادی ہال ہیں, مارکیاں ہیں, کیونکہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہم ان کو دے دیتے ہیں. ترقی کیسے ہوگی جب تک کہ آپ کے کلاس روم نہیں بنیں گے, آپ کے جو جس شکل میں بھی پڑھائی کرا رہا ہے اس کو سپورٹ کریں. پرائیویٹ سکول ہے, گورنمنٹ سکول ہے, اکیڈمی ہے, کوئی کسی اجرے میں پڑھا رہا ہے, کوئی تمبو میں پڑھا رہا ہے, خدا کے لیے اس کو سپورٹ کریں اگر ترقی کرنی ہے تو, نہیں تو ہم پسماندہ رہیں گے, پیچھے رہیں گے. ہم ترقی کرنی ہے تو اپنے ڈائریکشن کو اس طرف اس سمت میں لے کے جائیں. ابھی بات ہو رہی تھی جو ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں, یہاں ڈائلسس سینٹر شروع ہوا ایک ویلفیئر کا پروجیکٹ سر کوٹا میں. میرا اندازہ ہے کہ وہ بخشی اگر وہاں پہ رکھی ہے نا ڈونیٹ کرنے والی, تو مہینے کے اینڈ پہ وہ خالی نکلتی ہوگی, مہینے کے اینڈ پہ خالی نکلتی ہوگی. اور شادی پورے گاؤں میں لگ جائے, چار چار جوڑے نئے سوائے جاتے ہیں, مانیے لے تیرے الگ, جنجا لے تیرے الگ, میرے والے تیرے الگ, معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ ڈائلسس سینٹر جو کہ ایک فری وہاں پہ خدمت دینے کے لیے بنے گا, اس میں دو روپیے بانے واسطے ایسا تیار کوئی نہیں ہے. تو ڈائلسس سینٹر پھر کچھ عرصہ چلسی تو وہ ایک خدمت, معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ 19-20 سال سے سر میں نے تحریک شروع کی کہ شادی سادہ کریں. آج تک میرا ایک ممبر بنا جن کی میں آنا آنے آخری بچے میں بیاہ کرنے سے بعد ایسا تو سن اور شامل ہوئی گیا سا, اس لیے ایسا نہ رکھنا کیا کرنے پہ جی, اس لیے ایسا نہ رکھنا سر. فوج کے بندے جب پرشن آتے ہیں نا سر تھوڑا, تو میں ان کو کہتا تھا کل ناڑا پور سم ہے سونا جا گھر پار نکی پور نظر آیا, میں کس نا آنے والدار پینشن آیا نا ان سارے میلی ملائی نا, اس نے ساری پینشن مکانے پر لوائی سٹی تو انہوں کو اسلام آباد 12,000 سیکورٹی گارڈ کرنا پیا. وہ خدا نہ کہو یار کوئی اس میں کوئی بزنس, کوئی دکان, کوئی رکشہ خرید کے ہم دے دیتے اور ڈائریکشن میں چلتا ہے مکان چنگا بلا اس پہلے بنایا ہوا سوچ ہے. یہ مقاصد ہیں تعلیم کے, خدا کے لیے تعلیم یافتہ. سر کرنل سعید آپ سے میرے آپ کو سر میں ویلکم کرتا ہوں. آپ نے جو وین اور مشن لے کے آئے ہیں, آپ پنڈی اسلام آباد میں اس سے بہتر زندگی آپ گزار سکتے تھے. آپ خدمت دینے کے لیے علاقے میں آئے ہیں, ہم آپ سب کی اس خدمت میں حصے دار ہوں گے. اور ان سے سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی سوچ کر سے فائدہ اٹھائیں, اور یہ صرف سر یہ ISSB ہے اس کی تیاری کے لیے نہیں, کیریئر کاؤنسلنگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کون سے شعبے ہیں, ہمارے بچے FSC کرنے کے بعد کدھر کدھر جا سکتے ہیں. سر ہم آپ سے گائیڈنس لیں گے سر, اور ہم لوگوں کو بولیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے وہ ڈائریکشن حاصل کریں. آپ سے گزارش یہ ہوگی سر کہ آپ ضد کر کے بیٹھیں گے یہاں پہ, ضد کر کے بیٹھیں گے تاکہ ہمارا علاقہ بہتری لے, یہی ڈائریکشن ہے بہتری حاصل کر سکے, اور یہی صدقہ جاریہ ہے اور یہی خدمت ہے.
कोई इलाका तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वो तरबियत याफ्ता नहीं होता। और तरबियत भी कौन सी? ता मेरे किरदार वाली। जब तक वो नहीं होगी जो बच्चा देखेगा, अगर वो घर में बेईमानी देखता है इस भी से क्लियर नहीं होगा। आखिरी एक मिसाल दे के मैं जाऊंगा। सर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी बीवी को बोला कि क्या तू कसम उठा सकती है कि सुबह जो दूध तू बेच रही है होटल के ऊपर उसमें तू पानी नहीं डाल रही। वो हैरान हुई कि सवाल ही नहीं पैदा होता है पानी डालने की, कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा सवाल बड़ा क्लियर है कि जो तू सुबह दूध बेचती है बाजार में होटल के ऊपर, कि उसमें तू पानी डाल रही है या नहीं डाल रही है। क्या चीजें नहीं डालती हूं, सिर्फ ये है कि 2 किलो अगर दूध में डब्बे में डालती हूं तो जो करमंडल होता है उसको खंगाल पानी से डाल के तो वो मैं उसको ऊपर डालती हूं। कहते यही तो सवाल था, पानी डालती है कि नहीं, तू कसम उठा सकती है या नहीं। दूसरे दिन वो डब्बा वापस आया दूध वाला, अम्मा बूढ़ी ने वो धो के रखा, रात को उल्टा रखा ताकि इसमें पानी का कतरा है तो वो पानी भी कतरा निचड़ जाए। सुबह 2 किलो दूध डाला, डालने के बाद बोला बूढ़ी हो आज मैं कसम चाही सकनी है कि दूध आज पानी ना बानी। मेरी माओ बहनों, अगर आने वाली पोस्ट बनानी है तो हक हलाल कमाई होगी तब। अगर जरा भी उसमें शायबा हुआ तो आप हो सकता है दुनिया में जाहिरी कामयाब हो जाएं, लेकिन वो टोटल नाकामी होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। माशरे को कैसा होना चाहिए और माशरे में क्या क्या इसमें खामियां हैं और उसकी निशानदेही ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से फरमाई है। और माशरा बनता ही अफराद से है, और कोई फ़र्द अगर तरक्की करके किसी आला मकाम पर पहुंचता है तो वो फिर माशरे को वो वापस देता है वो चीज़, फिर माशरे इसी तरह बनते हैं। तो ये चाहिए कि हम जो है वो तालीम के साथ तरबियत का भी बच्चों का ख्याल करें। अब एकेडमिक बातें भी हुई हैं और सब हुआ सियासत के हवाले से। हमारे यहाँ जैसा कि राजा सगीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने बहुत कम अरसे में वो मकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है, और बड़ी बड़ी शख्सियात को उन्होंने गोया अपने मुकाबले में जो उनके आए तो उन्होंने उनको वोट के ज़रिए शिकस्त दी। इसका मतलब ये है कि लोगों के दिलों में और इनके दिल में लोगों का दर्द है, वो महसूस करते हैं और लोगों के काम करते हैं, लोगों के साथ चल पड़ते हैं, सही माने में अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं राजा सगीर साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने कुछ ख्याल का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अम्मा बाद। हमारे सिपा सलार जनरल ज़हीर इस्लाम साहब, ब्रिगेडियर जावेद साहब, कर्नल सही साहब, कर्नल अरशद साहब, और पैनल में बैठे मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो एकेडमी के हवाले से तकरीब मनक़द हुई है तो ये फौजियों की है, लेकिन हम जो सियासी हैं हमने भी इसमें हिस्सा ज़रूर डालना है। कर्नल साहब कि मैं आपको क्या क्या बात बताऊं, उनकी क्या क्या मैं आपको मिसाल दूं, यकीन करें कर्नल सईद साहब वो शख्स हैं, ये मेरे भाई हैं छोटे, लेकिन इन्होंने जब फौज में अपॉइंटमेंट लिए गए फौज में, उस वक्त से लेकर करनैली तक इन्होंने पूरे इलाके के जो गरीब खानदान थे उनकी इन्होंने परवरिश की और गरीब बच्चों को आर्मी में सिलेक्शन करवाई। आप यकीन करें
मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इसलिए कि हम में से हैं, जिस तरह मैं हूँ इसी तरह कर्नल सईद साहब हैं। आप यकीन करें, जनरल साहब भी बैठे हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने भी बड़ी खिदमत की है। लेकिन जो बंदा रिटायर होता है आर्मी से, वो कहता है कि मैं आगे किसी महकमे में अच्छी नौकरी तलाश करूं, जो यहाँ मेरा अच्छा गुजारा हो सके, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ सकें, मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो। वाइफ की तरफ से मजबूरी होती है आर्मी वालों को। तो कर्नल सईद साहब ने इस्लामाबाद को छोड़कर मटोर और कोटा को तरजीह दी है, और हमारे बच्चों के लिए कर्नल साहब इंशाल्लाह हम आपके सफीर नहीं, हम आपके खादम की हैसियत से आपकी खिदमत करेंगे और इस इलाके की खिदमत करेंगे। मैं भी यही जज्बा लेकर इस मैदान में उतरा हूँ। मैं खुद नहीं इतना पढ़ा, लेकिन मैंने अपने बेटी बेटियों को अच्छे तरीके से तालीम दिलवाई है, और मेरी कोशिश है कि जिस तरह मेरे बेटियां बेटे पढ़े हैं, मेरे इस तहसील और मेरे हल्के के सब बच्चे इसी तरह पढ़े, और ख़ास करके जो मेरी बहनें और मेरी बेटियां बैठी हैं, अल्लाह पाक ने बड़ा मकाम दिया है बेटी को, रहमत बनाकर मेरे अल्लाह ने इनको भेजा है बेटियों को। ख़ास करके बेटियों पर तवज्जो दें सबसे ज़्यादा। आप मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक बेटी नहीं पढ़ेगी आगे निज़ाम नहीं चल सकता। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं एग्री करता हूँ ब्रिगेडियर साहब, आपकी हर बात पर मैं एग्री करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब की बेटी की शादी हुई है, तो जो दूल्हे वाले थे उनके घर आए हैं, इन्होंने कहा ये मेरा कमरा देखो, इसमें कितने बंदे बैठ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें 16 बंदे बैठते हैं। उन्होंने कहा 16 बंदों की बारात लेके आना, 17वां बंदा ना हो मेरे घर में। मैं से आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह आप इस इलाके की गरीब परवरी कर रहे हैं, गरीब लोगों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप रोशनी की तरफ सबको लेके जा रहे हैं, अंधेरे से निकाल रहे हैं लोगों को। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। मैं आप सब भाइयों को फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि कर्नल सईद साहब के सफीर नहीं, खादम की हैसियत से इनकी खिदमत करें। ये यकीन करें इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है तहसील कोटा पर, कल्लर पर, कोल्डी सतियों पर, बल्कि पठवाग पर इनकी मेहरबानी है कि खिदमत के लिए अपने आप को इन्होंने वक्फ कर दिया है, और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत काबिल एहतराम और सलाम पेश करते हैं हम उन शख्सियात को और अस्करी हवाले से जो, और हर हवाले से कि जो वेल ऑफ हैं, और वो चाहते तो इस्लामाबाद में बड़े पुरासाइश ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में रहना पसंद किया और अपने इलाके और अपने लोगों में रहना पसंद किया। ये आज ख़ुद एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई है इलाके के लोगों के लिए, और यहाँ रह के कुछ खिदमात अंजाम देना ये और भी अहसन बात है। तो आज ये महफिल जो है ये इसलिए भी एक तारीखी है और काबिल कदर है इसलिए भी कि इसकी सदारत जो है वो हस्ती फरमा रही हैं कि जो उस अदारे से जिनका ताल्लुक और उस अदारे की सरबराही जिन्होंने की है, कि जिसका लोहा दुश्मन भी मानते हैं और पूरी दुनिया में नंबर वन अदारे की हैसियत से उसको जाना जाता है, हमें उस पर फख्र है कि पाकिस्तान की सलामती और अमन और पाकिस्तान की मजबूती के लिए इस अदारे ने जो खिदमात अभी तक अंजाम दी हैं और बहुत सारी ऐसी साजिशों को नाकाम बनाया है जो मुल्क के लिए कोई बायसे तशवीश हो सकती थी, इसी अदारे ने अपनी मुल्क की सलामती को बरकरार रखने के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। जनरल भी चाहते तो इस्लाम में रहते, लेकिन वो मटोर में रह रहे हैं, ये भी काबिल फख्र बात है, और आज हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और प्रोग्राम के आखिर में मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ उनकी खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। जनाब जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब। नाज़रीन
نحمدہو صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایم پی اے رائے صغیر صاحب قابل قدر بریگیڈیئر جاوید کن سعید کن ارشد پنڈال میں بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی میرے بزرگوں بھائیوں پنڈال کے آخر میں بیٹھی میری بہنوں میری بیٹیوں السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے میری تاخیر کی وجہ سے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے میں ذرا چلنے میں دیر ہو گئی میری صحت کچھ اس طریقے سے تھی کہ میں نے ارشد صاحب سے درخواست کی کہ میرے بھائی میں ہو سکتا ہے نہ آ سکوں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا آنا ضروری ہے سو جیسا بھی تھا پھر میں پہنچ گیا لیکن آپ لوگوں کو اس تاخیر کی وجہ سے انتظار کرنا پڑا جس کے لیے میں نہایت معذرت ہوا میرا خیال میں کرنل سعید نے یہ فیصلہ کر کے کہ یہاں پہ ایک اکیڈمی بنائی جائے جس کے اندر نہ صرف آئی ایس ایس بی کی ٹریننگ بلکہ مختلف کریڈٹ کالجز کے جو امتحانات ہیں ان کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے یہ ایک بہت احسن قدم ہے وجوہات اس کی کچھ یوں ہیں کہ کسی بھی امتحان کے لیے چاہے وہ تعلیمی امتحان ہو یا زندگی کا امتحان ہو اس کی تیاری بہت ضروری ہے آئی ایس ایس بی کے اندر عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی اکیڈمی یا کسی جگہ سے تیاری نہ کی جائے لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ عام طور پہ اس چیز کی معلومات حاصل کرنا کہ وہاں پہ کس طریقے سے ٹیسٹ ہوگا یہ ضروری ہو گیا ہے باقی آئی ایس بی کے اندر جو ٹیسٹنگ کا طریقہ کار ہے جس کے اندر خاص طور پہ آدمی کے کردار اور سوٹیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ آئی ایس ایس بی کے اندر اگر کوئی سلیکٹ نہیں ہوا تو اس کے اندر کوئی کردار کی کمی ایسی بات نہیں اس کو ہمیشہ اس طریقے سے لینا چاہیے کہ اگر آدمی کوئی آئی ایس ایس بی میں سلیکٹ نہیں ہوا تو وہ شاید اس پیشے کے لیے موزوں نہیں اس کے لیے شاید بہتر اور موزوں پیشہ کوئی اور ہے اسی طریقے سے جو کریڈٹ کالجز کے امتحانات ہیں وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں اس کی سلیکشن پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے جو بچے کریڈٹ کالجز میں چلے جائیں ان کے لیے آئی ایس بی کے امتحان کلیئر کرنا یا افواج پاکستان تمام ڈیفنس فورسز کے اندر جانا آسان ہو جاتا ہے سو یہ بھی ایک بڑا احسن قدم ہے کہ ہم اپنے تعلیم یافتہ بچوں کو آٹھویں اور بارہویں کے بعد ان اداروں کے لیے ٹرین کریں خاص طور پہ کہوٹا کی سلیکشن باقی تمام حضرات نے بھی بات کی جیسے یہ بڑی اہم چیز ہے اور وہ اہم اس لیے ہے کہ یہاں پہ ہمارا علاقہ پسماندہ علاقہ ہے ہم تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہر شعبے کے اندر ہم ترقی کریں تعلیم کے شعبے میں صحت کے شعبے میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے اندر پاورٹی ایلیویشن یا غربت کے خاتمے میں خواتین کی ووکیشنل ٹریننگ کے سلسلے میں یہ تمام ایفرٹس یا یہ تمام کوششیں جاری ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ یہاں پہ رہ کے لوگ یہ کام کریں تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو باہر شہروں میں جا کے اس قسم کی تعلیم حاصل نہ کرنی پڑے تو یہ اس لیے بڑا اہم ہے یہ سب لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ سعید صاحب کی یہاں پہ اس آئی ایس بی سینٹر کو کھولنے کی یا ٹریننگ سینٹر کو کھولنے کی یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے اس کاوش کی وجہ سے ہمارے غریب بچے جو اس علاقے میں ہیں ان کو
दूर दराज इलाकों में जाना नहीं पड़ेगा और यहीं पे सस्ती और अच्छी ट्रेनिंग मुहैया हो जाएगी। जहाँ तक किरदार साजी का ताल्लुक है तो मैं थोड़ी सी बात इसमें कहूँ कि मिन हासिल कौम हमें किरदार साजी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मिन हासिल कौम मैंने कम से कम मेरा तजर्बा ये है कि हमारे जवान हमारे लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, यानी उनके अंदर बेपनाह सलाहियतें। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इन सलाहियतों को डायरेक्शन दी जाए, इनको सही सिमत का तायुन दिया जाए, सही सिमत दी जाए। जब वो सही सिमत दी जाएगी तो ये हमारी कौम के अंदर बहुत बड़े पोटेंशल्स हैं कि हम दुनिया की जो एडवांस तरीन या तरक्की याफ्ता कौमें हैं कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती कि हम उनकी साफ में खड़े ना हों। मैं बहुत लोगों को ये बताया करता था कि फौजी आदमी के सोचने का तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि एक वो मेरे ख्याल में तमाम जितने फौजी इधर बैठे हुए हैं उनको ये समझ आएगी कि हम एक चीज़ होती है कैपेबिलिटी, यानी कि वो चीज़ें जो आपके हाथ में हैं, और एक चीज़ है पोटेंशियल। पोटेंशियल वो है जो आपकी वो सलाहियतें जिनको इस्तेमाल करके आपके अंदर से असल सलाहियत को बाहर लाया जा सकता है। तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी इस वक्त आपको जो नज़र आती है वो बहुत, यानी हमें नज़र आता है कि हम तरक्की की राह पे उस तरीके से काम, लेकिन पोटेंशियल ये है कि हम दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन कौम बन सकते हैं। आपके पास ये मुल्क इतनी नेमतों का, यानी इसके अंदर नेमतें हैं कि दरिया आपके पास हैं, वादियां आपके पास हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ आपके पास हैं, सहरा आपके पास हैं, समंदर आपके पास हैं, एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन आपके पास है, यानी वो तमाम चीज़ें, वो मुल्क भी हैं जो जैसे अफगानिस्तान है जिसको लैंड लॉक बोलते हैं, यानी उनके आगे पीछे, और एक बड़ा, और जो लोग हैं वो जफाकश, मेहनती और बेपनाह सलाहियत रखने वाले। इन तमाम चीज़ों को हमें अपनी लीडरशिप, इधर बैठी है पॉलिटिकल लीडरशिप, इन तमाम चीज़ों को जब हम कोई डायरेक्शन देंगे, सही सिमत देंगे, तो वो खुद ब खुद जो उनके अंदर सलाहियतें हैं वो बाहर आ जाएंगी। जो कर्म सईद की काविश है वो एक्चुअली इसी सिमत में एक बहुत बड़ा काम है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, इन बच्चों को अब जब वो तालीम की एक ख़ास लेवल तक पहुँच चुके तो उसके बाद उनको सिमत दी जाए ताकि वो अपने ट्रू पोटेंशियल या जो अपनी असल सलाहियतें हैं उसके मुताबिक मुआशरे के अंदर एक कारामत फ़र्ज के हिसाब से वो मुआशरे का हिस्सा बन सकें। मेरा ख्याल में ये बहुत ही एक अच्छी काविश है। मैं जावेद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, वो कह रहे हैं कि जी जन साहब जो हैं वो इधर ही रहते हैं, मेरा दिल इधर ही रहता है। आजकल मैं पहले रहा हूँ अपने गांव में आके, रिटायरमेंट के बाद एक डेढ़ साल मेरी ज़िंदगी के वो बड़े कीमती और अच्छे साल थे, लेकिन फिर वही बात करन जावेद वाली कि मेरी एक छोटी बच्ची है जिसकी तालीम की वजह से मुझे पिंडी जाना पड़ा है, लेकिन ये मैं आपको शुनस देता हूँ कि जिस वक्त मेरी ये ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म होंगी तो मेरा जो मरकज़ है वो यही रहेगा, अपना इलाका, हम अपने इलाके में ही आएंगे। जूँ जूँ मैं किसी से कल बात कर रहा था, जूँ जूँ उम्र गुजरती है तो ये चीज़ समझ आती है कि जो आपकी रूट्स हैं या जो आपकी जड़ें हैं जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि जो कुछ हम बने हैं, जो कुछ जहाँ जिस मकाम पर आज हम पहुँचे हैं वो आप लोगों की दुआओं से, अपने इलाके, अपने रिश्तेदार, अपनी बरादरी की दुआओं से वहाँ पहुँचे हैं। सो जिस जगह पे आप पहुँचे हैं वो चीज़ें आपने वापस उनको लौटानी है,
जैसे ब्रिगेडियर साहब ने किया, ये बहुत ही यानी एक बहुत बड़े करेक्टर हम लेफ्टिनेंट थे तो तब से ब्रिगेडियर जावेद को जानते हैं। ये उस वक्त से एक यूँ समझें कि एक मिशल थे, एक एक ऑनेस्टी का यानी ईमानदारी और एक यानी एक मिसाल थे पूरी फौज के अंदर। और रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने वही काम किया जो इनसे एक्सपेक्टेड था। बहुत हिम्मत की बात है कि आप तमाम चीज़ें छोड़ के एक ऐसे एरिया में, फौज के अंदर हम लोग काफ़ी सिक्योरिटी होती है, वो सारी चीज़ को छोड़ के गांव में आ जाना और फिर बिल्कुल शुरू से काम शुरू करना और फिर इस मुकाम पे उसको ले जाना कि आज ब्रिगेडियर साहब के इतने ज़्यादा स्कूल पूरे इलाके में हैं और वो गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल में बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं ये जो इधर बैठी हैं। ब्रिगेडियर साहब हुए, राजसगीर साहब हुए, राजसगीर साहब की मेहनत, राजसगीर साहब का जिस तरीके से बिल्कुल एक बेसिक लेवल से उठ के सियासत के इस लेवल पे पहुंचना कि आज वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं और एमपीए भी हैं अपनी मेहनत से, ये हमारे तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है मेरा ख्याल में। शहीद साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, इस रैंक पे पहुंचे, जिस जगह पे रहे उस जगह पे अपनी रूट्स को अपनी जड़ों को नहीं भूला और अपने लोगों की खिदमत करते रहे, तो इनका भी हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर वो खिदमत अभी तक इनके जहन से निकली नहीं है, वो उसी तरह जारी है कि आज बजाय इसके कि कुछ और नौकरी करते हैं, या वो भी करेंगे, हो जाए जिधर भी हो जाए, लेकिन उनके जहन में ये है कि मैंने जो कुछ लिया या जो जिस मकाम पे मुझे जिन लोगों ने पहुंचाया, मैंने वो उनको वापस लौटाना है। वो वापस लौटाने के लिए वापस कहूटा में आके इंशाल्लाह ताला इस एकेडमी के ज़रिए वो उस चीज़ को वापस दे रहे हैं। तो मेरी इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब व कामरान करे, इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये यहाँ पे जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ज़िद के तौर पे इसको काम को करें और पूरे मेहनत और इस लगन के साथ कि उन्होंने इस खत्ते के बच्चों को उनकी खिदमत करनी है और उन्हें यहाँ पे इन एक अच्छे मुअज्ज़ज़ पेशे की तरफ लेके जाना है। तो आप तमाम हज़रात को बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर मैं माज़रत चाहूँगा, मेरी ताख़ीर की वजह से आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। सलाम। एक जनरल साहब की इजाज़त से एक फिक्रा मैं बोलूँगा। ये जनरल साहब बात कर चुके हैं, अभी जब यहाँ बैठे हुए थे तो एक बात हो रही थी कि जो फौजी होते हैं वो मतलब मुख्तलिफ क्यों होते हैं जो आम बंदे होते हैं, जो सिविलियन होते हैं या वगैरह वगैरह। जो मेरे माइंड में है कि जब भी रिक्रूटिंग सेंटर से एक सिपाही पास आउट होता है या पीएम में से एक अफसर पास आउट होता है तो वो एक कसम उठाता है और उसी कसम ये होती है कि मैं इस प्यारे पाकिस्तान के लिए अपनी जान, मुझे ज़मीन पे या पानी में या हवा में हुक्म मिले तो इस प्यारे पाकिस्तान के लिए अपनी जान हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रहूंगा। यहाँ बहुत सारे रिटायर्ड फौजी बैठे हुए होंगे, आगे समझने की बात यह है कि वहां ये कसम ये नहीं उठाई जाती कि पेंशन लेने तक मैं तैयार रहूंगा, जिंदगी के आखिरी सांस तक ये हमारी कसम है कि इस प्यारे पाकिस्तान की खिदमत के लिए आखिरी सांस भी कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये फर्क है। बहुत शुक्रिया। असल में फौज ने सलामती की भी कसम खाई होती है कि मुल्क की सलामती और सालमियत पर कोई आंच आए तो वो खामोश नहीं बैठेंगे और उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कोई मैली आंख होगी तो उसको तोड़ देंगे, उसको फोड़ देंगे। तो इसी वजह से कभी कभी जब मुदाखलत होती है तो हमारे यहाँ एक बड़ा ख्याल आजकल जो है वो बड़ा पनप रहा है
کہ جی وہ سول جو ہے وہ حکومت ہے اور اقتدار سول کا ہی ہونا چاہیے. کس نے کہا ہے کہ فوج کا اقتدار ہونا چاہیے؟ اقتدار تو سول کا ہی ہوتا ہے, لیکن جب سول لوگ ایک حد سے کراس کر جاتے ہیں اور کرپشن کی اور اس کی مثالیں قائم کر دیتے ہیں تو پھر مداخلت کرنی پڑتی ہے فوج کو, اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مشرف صاحب پہ غداری کا مقدمہ چلا دو. تو یہ تو عجیب بات ہے. فوج ہمیشہ جو جیسے بریڈر صاحب نے بتایا ہے, فوج قسم کھائی ہوتی ہے فوج نے کہ اپنے ملک کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. تو بہت آپ لوگوں کا اور خاص کر ان شخصیات قابل احترام شخصیات جو اسٹیج پر تشریف رکھتی ہیں, بریڈیئر جاوید صاحب اور راجہ صغیر صاحب, کرنل ارشد صاحب اور خاص کر کرنل سعید صاحب جنہوں نے یہ سارا پنڈال سجایا اور اپنے اغراض و مقاصد آپ کو بتائے, اور سب سے بڑھ کر جنرل صاحب کا شکریہ کہ وہ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. اور میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, کچھ نہ کچھ باعث تاخیر ہوا ہوگا اس لیے وہ, ورنہ وہ کبھی لیٹ نہ ہوتے. تو آپ سب خواتین و حضرات کا اور سب کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا, اور ساتھ ہی چائے کا انتظام ہے اور ٹی بریک کا آپ سب سے درخواست ہے. آپ کا بہت شکریہ.